नमस्कार इन बीसीन के दर्शकों का हम फिर से एक बार स्वागत करते हैं। जैसे कि हम अब सुबह से लगातार आपसे बात कर रहे हैं और बता रहे हैं कि आज की स्थिति कुछ गंभीर नजर आ रही है और थोड़ा सा राजनीति भी इसमें हो रही है। जहां हम बात कर रहे थे कि आज लॉकडाउन की स्थिति क्या होगी, इसकी समीक्षा की जा रही थी, तो वहीं आज दो जगह पर बैठकें ली गई। एक जगह पर जहाँ लोक प्रतिनिधियों के साथ में महापौर महोदय ने नागपुर महानगर पालिका के ऑफिस में मीटिंग ली, वहीं विभागीय कार्यालय आयुक्त में माननीय पालक मंत्री महोदय ने सभी प्रशासकीय अधिकारियों के साथ में सभा ली। इस सभा में जो थे माननीय जो महानगर पालिका के कमिश्नर है तुकाराम मुंडे जी मौजूद थे, कलेक्टर रविंद्र ठाकरे जी मौजूद थे, कमिश्नर ऑफ पुलिस उपाध्याय सर मौजूद थे, ग्रामीण पुलिस अधीक्षक ओला जी मौजूद थे। ये मीटिंग अभी थोड़ी देर पहले खत्म हुई है। इसी बीच जो महानगर पालिका की मीटिंग थी वो भी खत्म हुई है। मैं संजय मीरे जी के पास में जा रहा हूँ जहाँ पर वो मौजूद है विभागीय आयुक्त कार्यालय में, वहां पर उनके साथ में कुछ अतिथिगण। हाँ संजय जी, क्या स्थिति है वहाँ की? हाँ, इस समय में तमाम अधिकारी धीरे 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 बाहर करते हुए आ रहे हैं। हम आपको बता दें कि बस कुछ चंद मिनटों के अंदर वे समीक्षा बैठक पूरी करते हुए विभागीय आयुक्त कार्यालय से बाहर आकर मीडिया को संबोधित करने वाले हैं। सभी जैसे कि ऊर्जा मंत्री नितिन राउत, पालक मंत्री नितिन राउत बाहर आ चुके हैं। आप देख सकते, थोड़ा विजुअल में बताइए कि यहाँ पे जी, लोग हम भी सुनना चाहेंगे कि प्रेस के माध्यम से वो आज की जो मीटिंग हुई उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं। बिल्कुल, नागपूरची परिस्थिती अद्यापही कंट्रोल मध्ये आहे पूर्णपणे। आता बेअर बाहेर गेलेली नाही आहे, फक्त टेस्टिंग त्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात वाढल्यामुळे पेशंट मोठ्या प्रमाणात या ठिकाणी आपल्याला सापडत आहेत। परंतु अनेक लोक त्यांना कुणाला ताप आला किंवा खोकला झाला किंवा काही झालं हे सांगत नाही आहेत, तर त्याचं समुपदेशन होणं आवश्यक आहे। त्याच्यामुळं मृत्यूदर या ठिकाणी मृत्यूदर नाही, संख्या वाढलेली आहे, मृत्यूंची संख्या वाढली आहे। आतापर्यंत शहरी भागात 75 लोक मृत्यू पावले मागच्या 17 दिवसात आणि रुरल एरियाचे 17 लोक मृत्यू पावले, एकूण 93 लोक या ठिकाणी मरण पावलेले आहेत। आणि हे सगळं करत असताना मी आपल्याला सांगू इच्छेन की जे सूत्र असतं ते सूत्र असतं 4T च। 4T म्हणजे पहिली टी म्हणजे ट्रेसिंग, दुसरी टी म्हणजे ट्रॅकिंग, तिसरी टी म्हणजे टेस्टिंग आणि चौथी टी म्हणजे ट्रीटमेंट। तर अशा पद्धतीनं हे जे करायचं असतं आम्हाला, त्यासाठी एकतर मॅन पॉवर सुद्धा मोठ्या प्रमाणात थकलेला आहे, त्यांना मोटिवेट करण्याचं काम आहे। काही पॅरामेडिकल स्टाफ अवेलेबिलिटीचा त्याचा इश्यू होता, तो सुद्धा रिझॉल्व्ह या ठिकाणी करण्याचा आम्ही प्रयत्न केला। ओवर क्लासचा जो हाऊसकीपिंगचा स्टाफ असतो तो सुद्धा रिझॉल्व्ह करण्याचा प्रयत्न इथं आहे। काही एनजीओ मोठ्या प्रमाणात आता पुढे आलेल्या आहेत आणि त्या एनजीओचं सहकार्य आम्ही पूर्णपणे घेणार आहोत आणि त्या माध्यमातून सुद्धा काम करतो आहोत। आज त्यावर चर्चा होऊन एक सूत्र असं ठरलं आहे, पोलीस विभाग आणि महानगरपालिका यांच्या संगम मतानं आणि त्या एनजीओनं याला कनेक्ट करायचं एकमेकाशी, त्यावर थोडीशी तयारीला वेळ लागणार आहे। तर ती तयारी या ठिकाणी सुरू करण्याचं काम आम्ही सुरू केलेलं आहे। स्वतः विभागीय आयुक्त या कामी त्यांनी पुढाकार घेतलेला आहे। पुढाकार घेऊन औषधं किती उपलब्ध आहेत, काय अडचणी आहेत, या सगळ्या गोष्टी आम्ही हे करून सगळ्यांना व्यवस्थित करण्यासाठी त्याच्या तयारीला आम्हाला आणखी 1-2 दिवस या ठिकाणी लागणार आहेत आणि ते करून मग आम्ही पुढच्या व्यवस्थेकडे आम्ही जाणार आहोत। आम्ही दररोज हे आता आज बसलो, आम्ही उद्या पुन्हा एकदा बसून याला आम्ही व्यवस्थित रित्या बघून घेऊ आणि त्यानंतर काय करायचं। लॉकडाऊन आहे की नाही हा प्रश्न नागपूरकरांना प्रश्न पण नाही, लॉकडाऊन आहे की नाही? नाही, तूर्त कुणीही अफवांवर विश्वास ठेवू नये, लॉकडाऊन करण्याची मानसिकता आमची नाही आणि त्यामुळं कुणीही त्या या अफवांवर अजिबात विश्वास ठेवू नये की लॉकडाऊन लागेल। लॉकडाऊन हा पर्याय नाही आहे यासाठी, इतर गोष्टी या ठिकाणी आणखी कामी करावं लागतील आणि ते करून आम्ही पुढे करू। कारण आम्हाला माहिती आहे की लॉकडाऊन जर लागला तर मोठं आर्थिक संकट हे लोकांवरही कोसळणार आणि सरकारवरही कोसळणार। त्या दृष्टिकोनातन एक स्मार्ट ऍक्शन प्लॅन आमचा जो तयार होतो आहे तो तयार होऊन आम्ही त्या कामी करणार।
आणि उद्योग धंदे सुद्धा सुरू राहिले पाहिजेत, लोकांचे रोजगार सुद्धा सुरू राहिले पाहिजेत, परंतु शिस्त मात्र लोकांमध्ये आणण्याचं काम मोठ्या प्रमाणात आणि संयम ठेवण्याचं काम या ठिकाणी करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. तूर्त लॉकडाऊनचा कुठेही असा काही प्रकार नाही आहे, असा निर्णय आम्ही घेतलेला नाही आहे. परंतु आम्ही पुन्हा जिल्ह्याच्या स्थितीवरती बसणार आहोत. जिल्ह्याची आणखी स्थिती आज ज्या सूचना आम्ही त्या ठिकाणी दिलेल्या आहेत त्याची अंमलबजावणी कशी होते आणि कुठं त्रुट्या जातात, कसे फायनान्शियल त्यांना मदत करायची, त्या सगळ्या दृष्टिकोनातून आज सादर करावं असं आम्ही सूचना दिलेल्या आहेत. मी उद्या स्वतः बसून या सगळ्यांना त्यांना ज्या त्यांच्या ज्या उणीवा आहेत त्या दूर करण्याच्या काम मी पूर्णपणे मदत करणार आहे. स्वतः विभागीय आयुक्त यावर लक्ष ठेवून आहे. मी आपल्याला एक सांगितलं की मोठ्या प्रमाणामध्ये पेशंट्स आता मेडिकल कॉलेजेसमध्ये येऊ घातलेले आहेत, त्यावर आमचं नियोजन चाललं आहे आणि ते नियोजन करून आम्ही त्यावर काम करणार आहोत. आणि निश्चितपणे ज्या जो या डेडलॉक या ठिकाणी तयार झाला एक प्रकारचा या निमित्तानं तो दूर होईल, परंतु लॉकडाऊन लागणार नाही. एक लक्षात घ्या, या ठिकाणी जे पेशंट्स वाढलेले आहेत टेस्टिंगमुळे वाढलेले आहेत आणि अजून काही व्हॅक्सिन आलेलं नाही या ठिकाणी, त्यामुळं आणखी पेशंट्स वाढू नये मोठ्या प्रमाणात याचा आमचा प्रयत्न सुरू आहे. आम्ही मेडिकल कॉलेजेसमध्ये सुद्धा आता अँटीजेन टेस्ट सुद्धा त्या ठिकाणी जो पेशंट गेला त्याची पहिल्यांदा करण्यात येईल आणि ते केल्यानंतरच पुढचं त्यांचं पाऊल उचलण्यात. आप थे राज्य के ऊर्जा मंत्री और शहर के पालक मंत्री नितिन राऊत, जिन्होंने बात करते हुए ये कहा कि लॉकडाउन के बारे में जब पत्रकारों ने उनसे बातचीत की तो उन्होंने सभी सवालों को डिनाई किया है और ये कहा है कि लॉकडाउन नहीं लगेगा, लेकिन स्मार्ट लॉकडाउन के तहत जनजागृति जरूर की जाएगी, लोगों ने सहयोग करना चाहिए. और उन्होंने ये भी कहा कि अब तक के शहर में आने वाले ये 5 दिनों में 95 मौतें हो चुकी है और ग्रामीण इलाकों में 17 ऐसे संख्या का जो दौर है वो बढ़ते हुए जा रहा है, ऐसा उन्होंने कहा. वे अभी यहाँ से आप देख सकते हैं कि लाइव ये दृश्य दर्शकों देख सकते हैं आप कि विभागीय कार्यालय से राज्य के ऊर्जा मंत्री समीक्षा बैठक के बाद यहाँ से निकल चुके हैं और लॉकडाउन को लेकर उन्होंने ये कहा है कि लॉकडाउन नहीं लगेगा क्योंकि परिस्थिति अभी ऐसी बहुत ज्यादा नहीं बढ़ी हुई है. परिस्थिति को कंट्रोल प्रशासन और सरकार पूरी तरह से मॉनिटरिंग कर रही है, इस परिस्थिति को कंट्रोल में किया जाए इसके बारे में पुरजोर कोशिश उनकी जारी है. एक सवाल जो एक पत्रकार ने यह सवाल विशेष की ओर से हमने किया था कि जिस प्रकार से महापौर संदीप जोशी इन्होंने कहा था कि यदि लॉकडाउन लगता है तो हम सड़कों पे उतरेंगे, इस सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने बगल दी और उनका ये कहना था जी, कि हम सुन रहे थे उस सवाल का जवाब ही उन्होंने दिया नहीं. हालांकि अभी भी उन्होंने लॉकडाउन की संभावना व्यक्त नहीं की, जहाँ की पूरी जनता आज अपेक्षा कर रही थी कि लॉकडाउन के बाबत घोषणा हुई, तो उन्होंने तो लॉकडाउन के बारे में तो नकार दिया कि लॉकडाउन तो होगा नहीं. फिलहाल आज की स्थिति ऐसी है कि आज की ये बैठक समीक्षा बैठक के बाद लॉकडाउन वहाँ पे होने की संभावना नजर नहीं आ रही, तो कहीं ना कहीं महापौर महोदय को यह संदेश तो पहुंच चुका होगा कि पालक मंत्री महोदय ने लॉकडाउन नहीं करने की घोषणा की है फिलहाल. संजय बिल्कुल, उन्होंने इस तरह के बातें किया कि मैं नहीं माखन खायो. लॉकडाउन की स्थिति भी ऐसी बनी हुई है, लगेगा नहीं लगेगा ये असमंजस की स्थिति अभी भी बनी हुई है. आज के समीक्षा बैठक में पूरी तरह से इस बात को लेकर निर्णय नहीं लिया गया है. संजय जी, इस वक्त जहाँ महानगर पालिका में जो मीटिंग खत्म हुई है जहाँ पर महापौर महोदय और जनप्रतिनिधि थे, वहां से हमारे साथ में है अभिषेक. अभिषेक की बात जब ये अधूरी रह गई थी, हम चाहेंगे कि आप भी अभिषेक की बात सुने और फिर हम जो पालक मंत्री महोदय ने कहा और महापौर महोदय ने कहा इसका कहाँ संयोजन होता है, कहाँ इसका सिंक्रोनाइजेशन होता है, उसकी हम बात करते हैं. अभिषेक आप सुन रहे हैं? हाँ सर. और आपने, हम समझते हैं कि आपने जो पालक मंत्री महोदय है ऊर्जा मंत्री जो है नितिन राउत, इन्होंने जो बात कही वो भी आपने सुनी होगी. ऊर्जा मंत्री हाँ. पालक मंत्री ने एक बात कही थी कि लॉकडाउन तो नहीं लगेगा, लेकिन जो मेडिकल टीम है उसको और सक्षम करने की बात चल रही है. लेकिन जो लोक प्रतिनिधि की भूमिका है वो शहर में भविष्य में कभी भी लॉकडाउन न लगाने देने की है, उनका कड़ा विरोध है. एक तो ये पालक मंत्री की जो आज बैठक बुलाई गई थी इसका भी विरोध लोक प्रतिनिधि ने किया था. दूसरी बात, ये मीटिंग को मतलब जो नागपुर महानगर का पालिका की जो मीटिंग थी वो तो पहले से तय मीटिंग थी,
वो मीटिंग छोड़कर जब मुझे आयुक्त तुकाराम मीटिंग के लिए गए तब मेरे जी आप बात सुनिए, आप लाइन पे रत्नाकर सर, जैसे कि अभी जो समीक्षा बैठक हुई है उसके अंदर से पूरी तरह से निर्णय नहीं लिया गया है, अभी भी असमंजस की स्थिति है, और ऊर्जा मंत्री निकला है कि लॉकडाउन नहीं होगा, लोगों ने जन जागरूकता को लेकर अवेयरनेस लोगों में होना चाहिए और वो लोगों ने करना चाहिए, इस दिशा में वे प्रयास कर रहे हैं, और कोरोना का जो संक्रमण है, जो मरीजों का जो आंकड़ा है, ये परिस्थिति अभी भी पूरी तरह से कंट्रोल में है, क्योंकि लॉकडाउन यदि लग गया तो गोर गरीब लोगों का काफी नुकसान हो सकता है, और जहां अर्थ का जहां विषय आता है इकोनॉमिकली कंडीशन जो है पूरे भारतवर्ष के साथ साथ तमाम राज्यों के साथ शहरों की स्थिति भी काफी खस्ता हालत हो सकती है, जिसका बहुत बड़ा सब लोग प्रभावित हो सकते हैं, इस बात को ध्यान में रखते हुए लॉकडाउन का निर्णय हाल फिलहाल में नहीं लिया गया है। आप बताइए, जैसे महापौर महोदय ने वहां पर कहा कि हमें दोनों तरफ की दुकानें फुल फ्लेज में शुरू करनी है, 12 मीटर की जो बात उन्होंने कही, आज पालक मंत्री महोदय ने जो मीटिंग ली उसका भी उन्होंने कहीं ना कहीं उसमें नाराजगी व्यक्त की, तो ऐसा क्यों क्यों ऐसी ये दो दिशाओं में बात हो रही है? रत्नाकर सर, पहले पासून प्रशासन आणि लोकमर्यादे निधीचा हा वाद नियुक्त झाल्या त्यापासून नागपूर शहर पाहत आलेला आहे, त्यामुळे जो आज जी बैठक झाली ती बैठक एक राजकारणाचा एक प्रकार होता असे सरळ आरोप महापौरांनी लावलेला आहे। महापौरांचं असं म्हणणं होतं की आम्ही निवेदन दिलं होतं आयुक्तांना की 20 तारखेला म्हणजे ऑलरेडी याचं निवेदन देण्यात आलं होतं की बाबा ही बैठक होती, मागच्या बैठकीत ही निर्णय झाला होता की आज ही बैठक होणार आहे, त्यांचं असं म्हणणं आहे की जाऊन पालकमंत्र्यांनी ही त्याच वेळेवर बैठक बोलवली आणि याचं पालकमंत्री कुठेतरी एक राजकारण करत आहे असा आरोप केलेला आहे। दुसरी गोष्ट आहे की महापौरांनी आयुक्त तुकाराम मुंढे किंवा प्रशासनाकडनं जे काही निर्णय घेतले जात आहे, स्पॉट जी टीम आहे त्याच्याकडनं जबरन वसुली केली जात आहे असे त्यांनी आरोप केले आहे। ऑड इव्हन मधले जे दुकान आहे 12 मीटर जो मोठा रस्ता असतो त्याच्या दोन्ही कडल्या बाजूचे दुकानं सुरू करावे आणि त्याच्यानंतर जे इतवाडी किराणा ओळी किंवा तेल ओळी जे दुकान आहे तिथे दोन्ही बाजूचे जे दुकान आहे ते उघडण्यात आलेले पाहिजे। महापौर महोदयाने कहा है की अगर लॉकडाऊन होता है, पालकमंत्री महोदय द्वारा प्रशासन द्वारा अगर लॉकडाऊन की घोषणा अगर होती है तो वो उसका पुरजोर विरोध करेंगे और जरूरत पड़े तो वो रास्ते पर भी उतरेंगे। ऐसी ही जो खबरें वहां पर है, वहां पर मौजूद हमारे संवाददाताओं से हम बात करते रहेंगे। मिलते हैं सभी से फिर से एक छोटे से ब्रेक के बाद, बने रहे हमारे साथ में NBC News पर।